लोगान वैन बिक। ये नाम वर्ल्ड क्रिकेट सालों साल नहीं भूलने वाला है। नीदरलैंड के वैन बिक ने वो कर दिखाया है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां नीदरलैंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। मुकाबला वेस्टइंडीज और नीदरलैंड के बीच खेला गया था, जिसे नीदरलैंड ने रोमांचक सुपर ओवर में जीत लिया। डच टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए 375 रन का टारगेट था। लक्ष्य को देखकर कैरिबियाई टीम की जीत को लगभग पक्का माना जा रहा था। लगभग छोड़िए, माना जा रहा था कि कैरिबियाई टीम इस मैच को बड़े अंतर से जीतेगी, लेकिन नीदरलैंड आज धमाल मचाने के लिए तैयार था। नीदरलैंड की टीम ने भी 50 ओवर बल्लेबाजी की और 374 रन बना दिए। अब मुकाबला सुपर ओवर में जा पहुंचा। सुपर ओवर में नीदरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी। टीम के बल्लेबाज लोगान वैन बिक ने तहलका मचाते हुए 6 गेंदों पर अकेले 30 रन बना डाले। जेसन होल्डर के ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा, दूसरी पर छक्का, तीसरी पर फिर चौका। इसके बाद चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाए। ओवर की आखिरी गेंद पर वैन बिक ने फिर चौका जड़ दिया। इस तरह से इस ओवर में कुल 30 रन बने। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सुपर ओवर में इससे पहले कभी भी इतने रन नहीं बने थे। वनडे छोड़िए, T20 इंटरनेशनल के सुपर ओवर में भी कभी इतने रन देखने को नहीं मिले थे। लोगान आज वाकई में धमाका मचाने के मूड में थे और उन्होंने वो करके भी दिखाया। अब वेस्टइंडीज़ के सामने मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर यानी सुपर ओवर में 31 रन का टारगेट था। नीदरलैंड आज शायद लोगान के भरोसे ही मैदान पर उतरा था। कप्तान स्कॉट एडवर्ड ने बल्ले से इतिहास रच चुके लोगान को गेंद थमा दी। अब लोगान गेंद से धमाका मचाने के लिए तैयार थे। वेस्टइंडीज़ की ओर से जॉनसन चार्ल्स और कप्तान शे होप बैटिंग के लिए आए। चार्ल्स ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर मैच के रोमांच को बरकरार रखा। हालांकि दूसरी और तीसरी गेंद पर वेस्टइंडीज़ की ओर से सिर्फ 1-1 रन देखने को मिला। अब वेस्टइंडीज़ के दोनों बल्लेबाज और पूरी टीम के ऊपर दबाव को साफ तौर पर देखा जा सकता था। चौथी गेंद पर चार्ल्स बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मिड विकेट पर अपना विकेट गंवा बैठे। अगली ही गेंद पर रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी के लिए आए और वो भी बड़े शॉट के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे। वेस्टइंडीज़ ने सुपर ओवर की 5 गेंदें खेली और केवल 8 रन टीम बना सकी। इसी के साथ नीदरलैंड ने ये मैच बड़े ही रोमांचक अंदाज में सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया। इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम के लिए वर्ल्ड कप 2023 के सुपर 12 में जगह बनाने के रास्ते भी लगभग बंद हो चुके हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास का ये सिर्फ तीसरा सुपर ओवर मुकाबला था। पहला सुपर ओवर 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में खेला गया था, जहां इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से हुआ था। उस नाटकीय मैच में इंग्लैंड ने कीवी टीम को मात दी थी। वहीं दूसरे सुपर ओवर की बात करें तो दूसरे सुपर ओवर में पाकिस्तान का सामना जिम्बाब्वे से हुआ था, जहां जिम्बाब्वे टीम ने पाकिस्तान को हराया था। और आज तीसरा सुपर ओवर जहां नीदरलैंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है, ना सिर्फ लोगान वैन बिक की बल्लेबाजी को बल्कि इस जीत को, नीदरलैंड की इस जीत को क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलने वाले हैं। ये वाकई में वर्ल्ड क्रिकेट में वेस्टइंडीज़ के लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ा अपसेट है।